తప్ప చేయగానే अभी तो मैंने स्टार्ट किया। दोस्तों हमें पता है आप टाइगर श्रॉफ के नाम से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, लेकिन आज हम टाइगर श्रॉफ के जन्म से लेकर आज तक की वो बातें बता रहे हैं जिनके बारे में मीडिया में कम ही बात की जाती है। चलिए शुरू करते हैं टाइगर श्रॉफ के जीवन की कहानी। दोस्तों टाइगर श्रॉफ ने बॉलीवुड में 3 से 4 साल में वह पा लिया है जो कई स्टार किड्स पूरे जीवन में भी नहीं पा पाते हैं। जैकी श्रॉफ का है लाडला, मार्शल आर्ट का दीवाना है और सारे जमाने की लड़कियां इसकी दीवानी हैं। टाइगर की 2 फिल्में को छोड़ दे तो आज तक की सभी फिल्में हिट रही हैं। टाइगर श्रॉफ का जन्म 2 मार्च 1990 को मुंबई में हुआ। टाइगर बॉलीवुड के बड़े स्टार जैकी श्रॉफ के बेटे हैं। टाइगर श्रॉफ की माँ का नाम आयशा दत्त श्रॉफ है। हम आपको बता दें कि आयशा दत्त खुद बॉलीवुड एक्ट्रेस रह चुकी है। टाइगर की एक छोटी बहन है जिसका नाम कृष्णा श्रॉफ है। यह कम ही लोग जानते हैं कि टाइगर का रियल नाम जय हेमंत श्रॉफ है। उनका नाम टाइगर रखने के पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। बचपन में टाइगर को जो भी छेड़ता था उसको वह झट से काट लेते थे। वह अपने नाखूनों से चेहरे पर झपटते भी थे, इससे पिता जैकी उसको टाइगर कहने लगे थे। उसके बाद से यही नाम प्रचलन में आ गया। टाइगर पहली बार स्टेज पर उस वक्त आए जब वह 1 साल के भी नहीं हुए थे। बात 1990 की है, इसी साल उनका जन्म हुआ है। इसी साल उनके पिता जैकी श्रॉफ को परिंदा फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। जब जैकी ने इस अवार्ड को स्वीकार किया तो उस वक्त टाइगर उनकी गोद में थे। टाइगर ने कई बार इस मोमेंट को अपने जीवन का सबसे खास पल बताया है। जैकी श्रॉफ बचपन से ही टाइगर से बहुत लगाव रखते हैं, इसलिए जैकी की कोशिश रहती थी कि वह शूटिंग खत्म कर रात तक घर पहुंच जाए, क्योंकि टाइगर को बचपन में उनके साथ सोने की आदत थी। टाइगर ने अपनी पढ़ाई अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे से पूरी की है। 12वीं के बाद टाइगर ने अमिटी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। टाइगर ने इस विश्वविद्यालय में दाखिला तो ले लिया था, लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं की। हालांकि कभी टाइगर ने इस बारे में बताया नहीं कि उन्होंने पढ़ाई बीच में क्यों छोड़ दी थी। टाइगर को बचपन से स्पोर्ट और डांसिंग पसंद है। टाइगर का सबसे पसंदीदा खेल फुटबॉल है। टाइगर को बचपन में ब्रूस ली की फिल्में इतनी पसंद थी कि उसने इन्हीं फिल्मों को देखकर मार्शल आर्ट सीखने का फैसला लिया था। टाइगर ने जब मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग शुरू की उस वक्त उनकी उम्र बस 4 साल की थी। हम आपको बता दें कि टाइगर ने ताइक्वांडो में 5th डिग्री ब्लैक बेल्ट हासिल की है। दोस्तों ताइक्वांडो में 5th डिग्री ब्लैक बेल्ट होना बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अगर हम टाइगर के आइकन्स की बात करें तो टाइगर माइकल जैक्सन के दीवाने हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आते हैं ऋतिक रोशन। टाइगर इन दोनों के डांस के दीवाने हैं। डांस के अलावा भी टाइगर ऋतिक रोशन के दीवाने हैं। उसने कई बार कहा भी है कि वह ऋतिक के साथ फिल्म करना चाहते हैं और उनका यह सपना पूरा भी हो रहा है। दोनों की फिल्म वॉर आ रही है। दोस्तों टाइगर को साल 2009 में टीवी शो फौजी के रिमेक में काम करने का मौका मिला था, लेकिन टाइगर ने मना कर दिया था। टाइगर का कहना था कि वह अपने करियर की शुरुआत टीवी से नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद साल 2010 में सुभाष घई ने अपनी फिल्म के लिए उनको ऑफर दिया था। यह फिल्म उनके पिता जैकी श्रॉफ की फिल्म हीरो की रिमेक थी। टाइगर ने इस फिल्म में भी काम करने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि यह फिल्म उनके पिता ने की थी, इसलिए हर कोई उनमें उनके पिता जैकी की छवि ढूंढेगा। इसके अलावा टाइगर का कहना था कि वह ऐसी फिल्में करेंगी जिसमें उसे अपने डांस और स्टंट को दिखाने का बखूबी मौका मिले। टाइगर हर रोज कई घंटे जिम में बिताते हैं। यह कमी लोग जानते हैं कि धूम 3 के दौरान टाइगर ने आमिर खान को बॉडी बनाने में मदद की थी। दोस्तों टाइगर के जीवन में बड़ा बदलाव आया है साल 2012 में। इसी साल उनको फिल्म हीरोपंती के लिए ऑफर आया था। यह फिल्म साल 2014 में रिलीज हुई थी। आपको याद होगा कि इस फिल्म का ट्रेलर आया था तो लोगों ने फिल्म की कम और टाइगर के लुक की ज्यादा चर्चा की थी। लोगों ने टाइगर की खूब आलोचना की थी। उस वक्त सोशल मीडिया पर टाइगर के खिलाफ माहौल बन गया था। यह माना जाने लगा था कि यह फिल्म नहीं चलेगी क्योंकि लोगों को टाइगर का लुक पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, यह फिल्म रिलीज हुई तो हिट हो गई। इसे भी पता चलता है कि सोशल मीडिया पर बस कुछ लोग ही निगेटिव बातों को फैलाते हैं। इसके बाद साल 2016 में टाइगर की फिल्म बागी आई। इस फिल्म में उनके साथ श्रद्धा कपूर थी। इस फिल्म में कमाल का एक्शन था। यह फिल्म खूब हिट रही थी। साल 2016 में ही टाइगर की फिल्म ए फ्लाइंग जट आई थी। दोस्तों यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। इसके बाद टाइगर की फिल्म आई मुन्ना माइकल, लेकिन दोस्तों उनकी यह फिल्म भी नहीं चल पाई। यह फिल्म भी बुरी तरह से पिटी थी। टाइगर ने कई बार कहा है कि दोनों फिल्मों की असफलता ने उन्हें निराश किया था। इसके बाद 2018 में टाइगर की फिल्म बागी 2 आई तो फिर कमाल हो गया। यह फिल्म जबरदस्त हिट रही। इसे अब सिद्ध हो गया कि टाइगर के फैंस उन्हें जबरदस्त एक्शन के साथ देखना चाहते हैं। दोस्तों टाइगर की बात हो और उनकी प्रेमिका की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मीडिया में अक्सर चर्चा रहती है कि टाइगर दिशा पटनी के साथ रिलेशन में हैं, लेकिन एक दूर था जब उनके और श्रद्धा कपूर के बारे में खूब खबरें आया करती थी।
कमी लोगों को पता है कि श्रद्धा कपूर उनकी बचपन की दोस्त है, दोनों क्लासमेट रहे हैं। एक और बात, टाइगर शिवशंकर के बड़े भक्त हैं। वह हर सोमवार को व्रत भी रखते हैं। उनके से मंदिर की कई फोटो सोशल मीडिया पर आई भी है। तो यह थी जैकी श्रॉफ के लाडले टाइगर श्रॉफ की कहानी। आप बने रहे YRY80 लाइव के साथ।